कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कल 17 अगस्त को डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर अस्पताल की कई सेवाओं पर होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत त्यागी ने IMA के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कल 17 अगस्त को डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके लिए बट आज का जो मीटिंग है और जो प्रोटेस्ट का एजेंडा है, दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके लिए कभी IMA ये नहीं चाहेगी कि कभी प्रोटेस्ट करने का कोई मौका पड़े। बट जैसे हमने देखा, जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ हुआ, एक्चुअली IMA की बेटी हम कह सकते हैं, वो एक बहुत ही घिनौना, हीनियस, मतलब वो एक्ट इज वॉज एज बैड एज द वन ऑफ निर्भया। तो इस एक्ट को लेके, इस हादसे को लेके देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और खासकर IMA फ्रेटर्निटी की वजह की तरफ से इस इंसिडेंट्स को लेके हम लोग काफ़ी हद तक दुखी भी हैं और उतने ही हद तक नाराज़ भी हैं। और इस नाराज़गी को दर्शाने के लिए, जताने के लिए IMA ने ये डिसाइड किया है कि कल शनिवार 17 तारीख को अक्रॉस द इंडिया सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे रहेंगे। हर हॉस्पिटल में OPDs बंद रहेंगी, सी इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी और IMA ग्रेटर नोएडा के बिहाफ पे ये जिम्मेदारी हमारी है कि ग्रेटर नोएडा के सभी हॉस्पिटल्स में OPDs, हर क्लिनिक जो है वो बंद रहे। और हम इस तरह से अपना एक मैसेज, हमारी फ्रेटर्निटी का एक मैसेज सरकार तक और समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर्स अपने ही हॉस्पिटल में, अपने ही कार्यक्षेत्र में, अपनी ही कर्मभूमि पे अगर सेफ नहीं है, अगर सुरक्षित नहीं है, तो और इससे डेंजरस बात हमारे प्रोफेशन के लिए और क्या हो सकती है। और ये सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, ये एक समाज के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है, एक वार्निंग साइन है कि अगर इस तरीके से हो रहा है कि किसी एक बहुत ही सुरक्षित जगह, जो कि अस्पताल एक सुरक्षित जगह मानी जाती है ज़्यादातर सिचुएशन, ये कोई सुनसान गली नहीं है, ये कोई सुनसान मोहल्ला या कोई डाउनटाउन नहीं है कि जहाँ पे हम ये सोचें कि हाँ ये हादसे हो सकते हैं। एक बड़ा टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, एक कॉलेज, अगर वहाँ पे इस तरीके का हादसा हो रहा है तो ये हमारे समाज की त्रुटियाँ दर्शाता है और कहाँ कहाँ लैक्यूनाज हैं, कहाँ ये कमियाँ हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। और हमको बहुत ही गहन चिंता करना, विचार करना चाहिए कि हम किस तरीके से इस उभरती हुई मानसिकता, गिरती हुई मानसिकता को, जो इस तरीके की मानसिकता उभर रही है समाज में, उसको हमने किस तरीके से रोकना चाहिए। डॉक्टर्स जो कि जनरली लोग कहते ज़रूर हैं, मानते कम हैं कि भैया भगवान का रूप होते हैं, और अगर वो भगवान का रूप अपनी कार्य मंदिर में सुरक्षित नहीं है तो इससे डरावनी भयावह स्थिति और कोई नहीं हो सकती। तो इस मुद्दे को लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि हम ये जताना चाहते हैं कि भाई हम उस बेटी के साथ, उस बेटी के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और हर डॉक्टर हिंदुस्तान का इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। सिर्फ हमारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है, समाज से नहीं है, उन पॉलिटिशियन से भी है जो इस केस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, रेदर देन इस केस के ऊपर सीख के, इसके कुछ एक्शन लेके, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को समझ के उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय इस केस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है, मुद्दे से हटके मुद्दे को डाइवर्ट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये भी एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। IMA उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया, ये हड़ताल 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी और इस समय पर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, कैजुअलिटी का इलाज भी किया जाएगा, लेकिन इस दौरान रेगुलर OPD काम नहीं करेगी और वैकल्पिक सर्जरी भी नहीं की जाएंगी।
ये हड़ताल उन सभी जगहों पर होगी जहां मेडिसिन डॉक्टर्स काम करते हैं। और रूटीन वोटीन बंद रहेंगे 24 घंटे के लिए 18 तारीख के सुबह 6 बजे तक के लिए। इमरजेंसी सर्विसेज केवल जो गाइडलाइन है केवल इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ही देखेंगे और लोग नहीं देखेंगे, कंसल्टेंट नहीं देखेंगे। जो इमरजेंसी में पहुंचेगा पेशेंट उसको केवल जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो इसको डील करेंगे। और बाकी कल शाम को हमारा कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम है, कल शाम को 7 बजे अभी वेन्यू डिसाइड करके सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा चैप्टर के सचिव डॉक्टर अभिसार कटियार ने कहा IMA ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग की है, साथ ही सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की भी मांग है। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में कल रात हुई हिंसा को लेकर भी IMA ने रोष व्यक्त किया है। ग्रेटर नोएडा के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इस देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा होंगे। शाम में डॉक्टर द्वारा विरोध में एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। IMA ने आम जनता का आह्वान किया है कि वो लोग भी देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इस कैंडल मार्च में शामिल हो। कल एक कैंडल मार्च या एक प्रोटेस्ट हम प्लान कर रहे हैं तो उसका समय और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भारी से भारी संख्या में ना कि सिर्फ डॉक्टर्स बाकी समाज के बाकी सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ें और उस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बने, जिससे हमें काफ़ी खुशी होगी। उससे हमें ये लगेगा कि चलो हम तो हैं ही हैं, समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, एक किसी एक फीमेल या किसी महिला के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये मैसेज काफ़ी जनता तक जाए और हो सके तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें, जिससे कि एक काफ़ी अच्छा मैसेज सरकार को जाए। धन्यवाद। एक महिला डॉक्टर होने के नाते हम सब इस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। जूनियरशिप में हम सब ऐसे 36 आवर्स ड्यूटी करके और जहां जगह मिले थक हार करके थोड़ी देर आराम करने को बैठ जाते थे, लेट जाते थे, दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे क्योंकि अभी नर्स आ रही है, कभी कोई जूनियर कोई आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट आए आप देख लीजिए। तो ये स्थिति हम सबने क्रॉस की और हम अब तक समझते थे, और ये मुझे अब लग रहा है कितनी बड़ी भूल और बेवकूफी थी हमारी कि एक बार डिस्पाइट बीइंग अ वुमन इस कंट्री में, आई विल जस्ट से डिस्पाइट बीइंग अ वुमन, हर अचीवमेंट इज डिस्पाइट बीइंग अ वुमन, वो होते हुए भी जब हम ये व्हाइट कोट पहनते थे ये हमारे लिए कवच था, एक आर्मर था। हम लोग एज लेडी डॉक्टर्स जब ये पहन लेते हैं व्हाइट कोट वी बिकम जेंडरलेस, हम ना मैन है ना वुमेन है, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ डॉक्टर हैं एंड हम पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं और उनके लिए ही हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। किसको शौक है 36 घंटे तक ड्यूटी करने का, घर से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे थे। और ये तो हमारे लिए इतना, मतलब सभी के लिए है एंड फॉर अस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वाकई में रूह कांप जाती है कि कौन अपनी बेटी को बोलेगा कि हाँ ठीक है आप डॉक्टर बनिए। और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए सेफ जोन नहीं ये खत्म हुआ है हॉस्पिटल, पेशेंट्स मरीज हॉस्पिटल में आता है तो आराम से, कोई किसी को सेडेटिव चल रहा है, कोई एनेस्थीजिया के अंडर में है, सब रहते हैं, उनके लिए भी आई थिंक इट हैज बिकम वेरी अनसेफ। तो मुझे लगता है ये जस्टिस की डिमांड इज नॉट समथिंग विच ओनली डॉक्टर्स शुड डू, ये डिमांड तो पूरे समाज को करनी चाहिए। इस जस्टिस की डिमांड हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इसके लिए टाइम ना निकाल पाए और पॉलिटिसाइज करे और इसको इसकी इम्पोर्टेंस ना दे, आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।